नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है रेसिपी की, लेक्चर्स की, तो आज मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ फ्रेश हलवा। तो ये जो फ्रेश हलवा है उसके लिए हमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिससे हम के खाने के बाद हमें तकलीफ़ हो, हमें नुकसान हो, हमारे बॉडी में कोई डिसीज आ जाए या फिर कोई भी हमें पेट में भारीपन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो आहार है वो हम खाने के बाद डेजर्ट में ले सकते हो और कभी किसी को स्वीट ज़्यादा पसंद हो तो लंच में या डिनर में आप साथ में खाने के साथ ले सकते हो। तो ये जो फ्रेश हलवा है इसके लिए मैंने अभी जो मार्केट में नई नई मूंगफली आती है, ये जो पीनट है मतलब कि ग्राउंड नट, तो ये जो ग्राउंड नट है वो बिल्कुल मिट्टी वाली आती है और इसको फोलते ही इसमें से बिल्कुल पिंक पिंक छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। तो ऐसे दाने मैंने एक कटोरी भर के निकाले हैं। 250 ग्राम मूंगफली लिया है, उसमें से बहुत सारे ये जो दाने हैं वो मैंने निकाले हैं। उसके साथ मैंने हाफ श्रीफल लिया है, फ्रेश कोकोनट लिया है और उसके साथ मैंने 50 ग्राम काजू लिया है टेस्ट के लिए, मीठा में गुड़ लिया है और स्वाद के लिए इलायची पाउडर लिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश हलवा। तो ये हलवे के लिए सबसे पहले तो हम ये जो हमारा कोकोनट है उसको ग्राइंड करके उसका मावा बना लेते हैं। तो ये जो है वो इसका हम छोटे से छोटे टुकड़े कर दिए हैं और उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये जो है वो कोकोनट का बिल्कुल मिक्सचर हो गया है। फ्रेश कोकोनट आप जितना यूज़ करोगे पूरे दिन में, लंच में या डिनर में, आपके आहार में तो बहुत बेनिफिट मिलता है। हर रोज़ फ्रेश का फ्रेश यूज़ कीजिए। मूंगफली को अगर सेक के खाते हैं, गरम करके खाते हैं या उसकी रेसिपी बना के खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फैट बढ़ता है। लेकिन आप अगर फ्रेश मूंगफली का यूज़ करोगे तो चाहे कितनी भी खा लो उससे हमें नुकसान नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक बाउल भर के दाने निकाले हैं, तो वो दाने का भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये जो हमारी फ्रेश मूंगफली है उसका भी पेस्ट हो गया है, इसको भी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। सब कुछ साथ में भी ग्राइंड कर सकते हो लेकिन अलग अलग करोगे तो उसका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ रहता है। और ये जो काजू है वो मैंने 50 ग्राम लिए हैं, वो भी मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। थोड़े से डेकोरेशन के लिए निकाल दिए हैं। बाहर की जो मिठाई होती है जिसको काजू कतरी बोलते हैं, तो वो काजू कतरी खाने से अच्छा है कि हम हमारे हाथ से काजू ले आए अच्छे वाले और मिक्सचर में ग्राइंड करके उसमें ही कुछ मिठाई मिला के मिठाई बना ले, मतलब स्वीट मिला के कुछ मिठाई बना ले। ये जो हलवा है उसके अंदर मैंने 50 से 60 ग्राम गुड़ लिया है, ऑर्गेनिक गुड़ है, तो ये मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। साथ में ये इलायची का पाउडर है, वो मैंने 7-8 नंग इलायची ली थी तो उसमें से मैं हाफ स्पून इसके अंदर पाउडर डाल रही हूँ। ये जो सारा हमारा मिक्सचर पेस्ट बन के रेडी हो गया है इसको हम मिला लेते हैं। वैसे तो हलवे के लिए वेगन प्रोडक्ट हमें मिल्क प्रोडक्ट ही यूज़ करनी होती है, लेकिन ये जो हलवा है वो वेगन हलवा है, रो वेगन है, फ्रेश है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो, हस्बैंड को भी दे सकते हो, गेस्ट को भी दे सकते हो, आप खुद भी खा सकते हो। और आपको खाना हो तो यहाँ पे आ जाइए, हम साथ में बैठ के खाएँगे। जिसके मुंह में दांत नहीं है, पूरी जिंदगी गलत आहार की वजह से दांत जो होते हैं वो हमारे चले जाते हैं,
तो दांत चले जाने के बाद भी अगर मीठा खाना हो तो ऐसे क्रश करके आप हलवा बना के खा सकते हो। और जिसके दांत अभी है उनको गिराने नहीं है, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हमारे दांत को रखना है। तो रो फूड खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें 70% और 30% का रेशियो रखना है। डिनर में हम जो भी खाते हैं उसमें 70% आपको वेजिटेबल्स लेना है, सूप लेना है, बॉईल करके सब्जी खा सकते हो, सलाद ले सकते हो, जूस पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, और 30% ही ग्रेन लेना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि ग्रेन खाने बैठो तो पूरी थाली भर के दाल चावल भी खा लिया, रोटी सब्जी भी खा ली, बाहर का थोड़ा नाश्ता भी खा लिया, घर का भी खा लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें याद रखना है कि 70% जो है वो वेजिटेबल्स होने चाहिए, मतलब प्लांट बेस्ड आहार होना चाहिए, और जो 30% है वो डिनर में आप कुक्ड फूड ले सकते हो। लेकिन मैं ऐसी राय नहीं दूंगी कि आप गलत आहार खाओ, मतलब पका हुआ आहार खाओ। मैं तो यही कहूंगी कि अगर दिन में पूरे दिन अमृत भोजन खाया है तो रात को भी अमृत भोजन ही खा के सो जाओ। जिसको अगर आदत नहीं है तो देर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ये मैं बातें इसलिए करती हूँ कि ये जो गुड़ है वो मैंने बारीक काट दिया है, लेकिन जो कोकोनट का टेक्सचर है उसका जो मिल्क निकलता है उसमें मिक्स करने के लिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ये भी मिक्स होता रहेगा, हमसे बातें भी होती रहेगी। तो अगर आप शाम को पका हुआ आहार लेते हो तो उसमें 70% वेजिटेबल्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूप बनना चाहिए। हर रोज आपके डिनर में पूरा एक बाउल भर के सूप लेने की प्रैक्टिस कर लो। तो देखो बातों बातों में हलवा रेडी हो गया है, इतनी अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है, और ये जो फ्रेश इतनी फ्रेश मूंगफली आ रही है। अगर आपके पास फ्रेश मूंगफली नहीं हो तो जो वो जो सूखी हुई मूंगफली आती है उसको 4-5 घंटे पानी में भिगो के भी आप पानी निकालने के बाद वो मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा सारा टेक्सचर जो हमारा मिक्स हो गया है तो मैं इसको ये बाउल में डाल रही हूँ। बिल्कुल 5 मिनट में फटाफट से रेडी हो जाता है। तो इसको मैं काजू से थोड़ा सा गार्निश भी कर लेती हूँ। तो हमारा जो फ्रेश हलवा है कोकोनट का और ग्राउंड नट का, मूंगफली का, वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी ऐसी फ्रेश रेसिपी बनाइए, घर में जिसको मीठा पसंद है उनको भी खिलाइए, जिसको तीखा पसंद है उनको तीखा सलाद बना के इसके साथ प्रेजेंट कीजिए। घर में धीरे धीरे आदत कीजिए, गैस कम चालू कर कीजिए। अगर गैस कम चालू करोगे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मेडिसिन नहीं लेने पड़ेगी। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो। तो आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी अगर आपको पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपके साथ आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर है वो सभी के सभी फ़ोन नंबर को हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपको हमारे रेसिपी के बारे में या हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है, सुबह में फ़ोन करने का समय हमारा 10 बजे और 12 बजे का बीच का है। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। हलवा चख लेती हूँ फिर बाय कहती हूँ। तो देखो ये बिल्कुल एकदम टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा डिलीशियस हलवा रेडी हो गया है। मस्त है, एकदम फ्रेश मूंगफली है, मीठा है एकदम, काजू का टेस्ट अच्छा आ रहा है, इलायची का भी टेस्ट आ रहा है। तो आप भी ऐसा खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।
बाय।